अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 22। और ये वो क्लास है जिसका बेसब्री से सब इंतजार कर रहे थे, यानी यस ब्लेंडिंग ऑप्शंस या लेयर स्टाइल्स। तो आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो आज जो जैसे मैंने बताया कि हम लेयर स्टाइल्स देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को लेयर स्टाइल्स बताना चाहूँगा कि होते क्या हैं। अगर आप विंडो के मेन्यू में जाएं और यहाँ नीचे आएं और यहाँ से स्टाइल्स को ऑन कर लें तो आपके सामने ये एक पैनल आ जाएगा, राइट? और इस पैनल में कुछ बने बनाए से लेयर स्टाइल्स मौजूद हैं। नाउ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक अल्फाबेट लिखा हुआ है जी, स्मॉल जी। और ये जो स्मॉल जी है इसकी एक खास बात मजे की है कि एक तो GFX Mentor का जी है, नंबर वन। नंबर टू, ये फॉन्ट बड़ा मजेदार सा है, इसमें तमाम तर कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस भी आ रही हैं और थिक और थिन सारी चीजें आ रही हैं। तो ये एक बड़ा अप्रोप्रिएट किस्म का एक शेप है जिसके ऊपर हम अपने लेयर स्टाइल्स को टेस्ट कर सकते हैं, या जब हम अपने स्टाइल्स बनाएंगे तो वो भी हम इस पे टेस्ट करेंगे। सो टेस्ट करने के लिए सिंपली जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ये लेयर स्टाइल्स आपने खोल लेने हैं और आप अपने इसी टेक्स्ट वाली लेयर पर रहते हुए यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके जो लेयर है उसका स्टाइल चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो बने बनाए दिए हुए हैं इसमें और भी कई सारे हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि हम अगर इनको एडिट करना चाहें या अपने तरीके से कुछ बनाना चाहें तो वो कैसे करेंगे। नाउ साथ ही साथ अगर आप देखें, मैं जिस स्टाइल पे क्लिक करता हूं उसके यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको लेयर के नीचे ही दिख रहे हैं। सो यहाँ पर इफेक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है और फिर इसमें देखें स्ट्रोक लगा हुआ है, ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो तीन मरतबा लगा हुआ है। नाउ सीसी, आई डोंट नो 2015 में था या नहीं, बट सीसी 2017 से ये एक अच्छी चीज़ है कि आप मल्टीपल इफेक्ट्स एक साथ लगा सकते हैं। वो जैसे हम अंदर जाएंगे वो हम देख लेंगे डेफिनेटली। नाउ लेट्स सपोज अगर मुझे ये इफेक्ट्स हटा देने तो सिंपली मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर आके इस स्टाइल्स वाली पर यहाँ पे नन पे जो अगर आप क्लिक करते हैं तो तमाम तरह स्टाइल्स रिमूव हो जाएंगे। नाउ मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ब्लैक, आप देखें गौर से कि मैं जिस पर भी क्लिक करता हूँ वैसा ही वो कलर भी आ जाता है। नाउ ये चंद चीज़ें थी जो मैं आपको लाजमी आपके दिमाग में रखना चाह रहा था। दूसरा एक और तरीका है कि अगर आप इफेक्ट्स हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ जो इफेक्ट्स लिखे हुए हैं इनको क्लिक करके ड्रैग करें और यहाँ नीचे ट्रैश में डाल दें तो ये डिलीट हो जाएंगे। सो इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, राइट? ऑलराइट, अब सवाल ये है कि हम अपने स्टाइल्स किस तरह से बनाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपकी जो जिस लेयर पर भी आप अप्लाई करने वाले हैं, नाउ एक बात याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके टेक्स्ट के ऊपर रहे, ये किसी भी लेयर पर अप्लाई हो सकते हैं। किस तरह से? अगर आप राइट क्लिक करें और यहाँ देखें आपके पास आ रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ठीक है, या सिंपली इस जगह पर डबल क्लिक कर लें। अब देखें डबल क्लिक कहाँ कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आपके लेयर के पैनल में अगर आप जैसे यहाँ टी लिखा हुआ है इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट एडिट करने चला जाएगा, ठीक है? अगर मैं ये जो जी लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप इस लेयर का नाम बदल सकते हैं, और अगर मैं इस ब्लैंक एरिया में डबल क्लिक करूंगा तो आपके सामने लेयर स्टाइल की एक पैनल आ जाएगी। नाउ अगर इस पैनल को अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी थोड़ी सी मैसअप हुई हुई है, लाइक जो पिछला हमने स्टाइल लगाया था उसमें तीन मरतबा ड्रॉप शेडो था। एक काम सबसे पहले ये करें कि यहाँ नीचे जो एफएक्स लिखा हुआ है, याद रखिए ये 2017 का फीचर है और ऑनवर्ड्स 2017 एंड ऑनवर्ड्स, मुझे नहीं पता कि पिछले वालों में ये था या नहीं, बट यस 2017 में डेफिनेटली है और 2018 में भी होगा। सो आप जो आपका वर्जन है उसके लिहाज से आप देख लीजिएगा, राइट? नाउ यहाँ एफएक्स पे क्लिक करें और रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट एक बार क्लिक कर दें ताकि आपके जो डिफॉल्ट ऑप्शंस हैं वो आ जाए। बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपके यहाँ यही आ रहे हो, मेरे यहाँ पर डिफरेंट आ रहे थे, वो चेंज हुआ हुआ था इसलिए। नाउ अब हैं क्या ये सारे लेयर स्टाइल्स? सो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कुछ यहाँ लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्टाइल्स, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वही आपकी स्टाइल्स की गैलरी यहाँ से शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? सो जैसे आप यहां पर आके किसी भी स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो वो आपके स्टाइल यहां पर अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त इसको रीसेट कर रहा हूं। ऑल्ट का बटन दबाएं तो देखें यहां कैंसिल जो है रीसेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने रीसेट किया एंड वी आर बैक टू नॉर्मल
मैं फिर से रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे नाउ. समटाइम्स यस ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनना शुरू हो जाती है बट दैट्स ओके. अच्छा जी सो अब यहाँ पर अगर आप स्टाइल्स के बाद यहाँ देखें तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस और ये वाले जो ऑप्शंस हैं मैं अभी कुछ देर के लिए आप लोगों को रोक रहा हूँ. ये कुछ देर नहीं बल्कि हम इनको ब्लेंड इफ वगैरह को बहुत डिटेल में बाद में देखेंगे. इसकी पूरी एक अलहदा से क्लास रखूंगा. यहाँ नीचे आ जाएं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस जो दिए हुए हैं दैट इज बेवल एम्बोज कॉन्टोर टेक्सचर वगैरह वगैरह वगैरह. मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ आप लोगों को समझाना, ऊपर हम बाद में आते हैं. नाउ एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप सिर्फ चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं तो वो इफेक्ट तो अप्लाई कर देता है. जैसे ये मैंने आउटर ग्लो लगाया या जो भी मैं ऑप्शन लगा रहा हूँ वो अप्लाई तो कर देता है बट आपको यहाँ पर उसकी सेटिंग्स नहीं दिखती. सो मेक श्योर कि आप जो भी नाम लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ड्रॉप शेडो लगाना है तो जो ड्रॉप शेडो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि चेक भी लग जाए और यहाँ राइट साइड पर आपको उसकी प्रॉपर्टीज मिले. यहाँ पर इस वक्त आपकी नज़र इस पर होनी चाहिए, मैं सेटिंग्स यहाँ पर कर रहा हूँ ठीक है. सबसे पहले ड्रॉप शैडो को जरा समझ लें क्या कर रहा है. यहाँ पर जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी जरा सा बढ़ा रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, देखें आपके इमेज पर आपकी जो भी लेयर है उस पर ये शैडो अप्लाई कर रहा है और जो ये शैडो है वो इस तरह से आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं. नाउ सिर्फ शैडो नहीं है, फिर बहुत सारी चीजें हैं. मैं जरा रीसेट टू डिफॉल्ट साथ-साथ करता जा रहा हूं क्योंकि यूजुअली यहां पर ये होता है कि हम जो भी चीज लास्ट अप्लाई किए होते हैं वो यहां पर सेटिंग्स रहती है. सो एक चीज का ख्याल रखिएगा, जैसे आप ड्रॉप शैडो में आ रहे हैं या किसी भी वैल्यू में जा रहे हैं प्लीज मेक श्योर रीसेट टू डिफॉल्ट कर लिया करें ताकि आप बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग्स से दोबारा से शुरू करें. अगर आप अपनी पिछली सेटिंग्स को यूज करना चाह रहे हैं तो फिर रीसेट मत कीजिएगा. राइट नाउ ड्रॉप शैडो का काम क्या है, अब बारीकी से मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं. देखें हर ऑप्शन के यहां पर बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले हम देखें तो हमारे यहां पर लिखा हुआ है ब्लेंडिंग मोड और ये है मल्टीप्लाई. ये बिल्कुल वही है जो कि हमारे पास लेयर्स में आते थे ठीक है. यहां पर आपके पास आ रहा है कलर. सो फॉर एग्जाम्पल मैं कलर ग्रीन देना चाह रहा हूं राइट और मैं ओपेसिटी बढ़ाना चाह रहा हूं. गौर से देखें यहां हल्का सा ग्रीन शेडो आना शुरू हो गया. उसके नीचे आ जाए तो यहां पर आपके पास आ रहा है एंगल. अब ये एंगल किस चीज का है, लाइट का एंगल है. सो लाइट इस वक्त ऊपर से आ रही है तो शेडो नीचे कास्ट हो रहा है ठीक है. मैं शेडो जरा सा डार्क कर रहा हूं, बहुत बुरा लग रहा है लाइट ग्रीन. नाउ ये आपका एंगल है लाइट का और इसके बराबर में अगर आप देखें तो यूज ग्लोबल लाइट है. अभी थोड़ी देर के लिए इसको चेक रहने दें वरना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि इसको चेक लगा रहने दें, कुछ मसले आते हैं. बहरहाल पहले तो ये समझ लें कि यहां पर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, उसके बाद हम ग्लोबल लाइट को देखते हैं. डिस्टेंस, आपके शेडो का डिस्टेंस कितना होगा ठीक है. सो ऑब्वियसली डिस्टेंस एंड देन स्प्रेड, स्प्रेड के कितना ये आपका एजेस कितना फैल रहे होंगे इसके ठीक है. सो ये थोड़ा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको यूज करें, फिर भी जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं. साइज इज ब्लर, कितना ब्लरी या कितना फेदर्ड होगा, दिस इज साइज ठीक है. मैं अपना शेडो दोबारा से ब्लैक कर रहा हूं ताकि जरा सा डिसेंट सी चीज लगे. ऑलराइट सो दिस इज इट, ये आपका है ड्रॉप शेडो ठीक. और ड्रॉप शेडो के नीचे यहां पर इसकी सेटिंग्स के बाद आ रही है क्वालिटी. अच्छा क्वालिटी में एक चीज दी हुई है कॉन्टोर. कॉन्टोर कहते हैं एज को, किसी भी चीज के एज को. अब अगर आप यहां पे देखें तो आपको बने बनाए ऑलरेडी कुछ कॉन्टोर्स दिए हुए हैं. अगर आप इन पे क्लिक करें तो आपको डिफरेंट डिफरेंट से रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे. ये कॉन्टोर किस तरह से काम करते हैं ये समझ लें कि एज है आपके शेडो का. सो अगर आप इसको देखें गौर से, ये एक डायगनल लाइन बनी हुई आ रही है. ये आपका इनसाइड पार्ट है, ये आपका आउटसाइड पार्ट है. तो यानी अंदर से फुल ओपेसिटी होगी एंड ग्रेजुअली आते आते ओपेसिटी डाउन हो रही है. आप चाहें तो इस कॉन्टोर पे क्लिक करें. सी दिस, मैंने इस वक्त इस एरो के बजाय इस बॉक्स पे क्लिक किया है तो आप अपना कॉन्टोर भी एडिट कर सकते हैं. ना कॉन्टोर को मैं यूं समझा दूं कि ये आपकी बाहर की ओपेसिटी है, ये अंदर की ओपेसिटी है. सो अंदर की ओपेसिटी इस वक्त फुल है, बाहर की ओपेसिटी बिल्कुल जीरो है. सी दिस, अंदर से ये डार्क आ रहा है एंड ग्रेजुअली बाहर आते आते ये आपका लाइट होता जा रहा है. तो अगर मैं इसको भी नीचे कर दूं तो आपका शेडो पूरा गायब हो जाएगा और अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो देखें बाहर डार्क हो गया, अंदर की तरफ जाते जाते ये सॉफ्ट होता जा रहा है. एंड इसी तरह से आप अपने कॉन्टोर्स खुद भी बना सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अंदर से ये फुल डार्क होगा एंड देन सडनली लाइट हो जाएगा एंड देन फिर डार्क हो जाएगा एंड देन फिर लाइट हो जाएगा फिर डार्क हो जाएगा
एंड सो ऑन. सी दिस, आपके शेडो में इस तरह से कुछ ग्रूव्स बनने आना शुरू हो जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा. अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक हल्का सा ओवरव्यू देना चाह रहा था कि कॉन्टोर एग्जैक्टली है क्या. नाउ इसी में अगर आ जाएं तो नॉइज़ आपके पास आ रही है एंड समटाइम्स हम यूज़ कर लेते हैं. याद रखें, मैं इसको कोई ब्यूटीफुल सी चीज़ नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ ये ऑप्शंस किस तरह से यूज़ होते हैं मैं ये समझा रहा हूँ. बहुत खूबसूरत सी चीज़ें हम बनाएंगे. नाउ मैं ये आपको डिटेल में क्यों समझा रहा था इस वक्त, कि मैं चाहूँगा कि आप हर एक ऑप्शन के अंदर जो जो इस तरह की सेटिंग्स हैं उनको थोड़ा सा आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा. नाउ मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं एक एक स्टेप को आपको बहुत डिटेल में समझा सकूं, बिकॉज इसके लिए फिर मुझे जितने यहाँ ऑप्शन हैं उतनी सारी क्लासेस रखनी पड़ जाएंगी और वो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा. सही है. सो मैं चाहूंगा कि मैं देखिए दो तीन आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ और फिर मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि हम किस स्ट्रैटेजी पर कोई चीज़ या कोई स्टाइल हम बनाते हैं. राइट. सो देखें क्या होता है कि अब जैसे यहाँ मैं इसको हटा रहा हूँ, ड्रॉप शैडो को, ठीक है, एंड आउटर ग्लो में आ रहा हूँ. Now, आउटर ग्लो क्या है? बाय डिफॉल्ट आउटर ग्लो डार्क बैकग्राउंड पे आपको दिखेगा. सो अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, राइट, और ये जो नीचे वाली लेयर है इसका कलर मैं डार्क कर देता हूँ. से मैं यहाँ से डार्क ग्रे ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पे फिल कर दिया. और से देखें आपको हल्का सा ग्लो नजर आ रहा होगा, राइट, और ये ग्लो आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं. सी दिस, मैं इसको यहां से आउटर ग्लो पे गया और मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूं. सी वही चीजें आ गई हैं आपके पास, ओपेसिटी, ब्लेंड मोड, यहां पे स्क्रीन आ रहा है, कलर आप यहां से बता सकते हैं, राइट. सो सिमिलरली ड्रॉप शेडो के जैसी ही कुछ चीजें, लेकिन जाहिर है आउटर ग्लो है, इसमें लाइट का एंगल नहीं है. क्यों? क्योंकि शेडो के लिए लाइट का एंगल था कि क्योंकि शेडो एक तरफ आना था, राइट, एक तरफ से लाइट आ रही है तो दूसरी तरफ शेडो आ रहा होगा. आउटर ग्लो मतलब चारों तरफ से ग्लो आ रहा होगा, राइट. सो इसलिए यहां पर लाइट का एंगल मौजूद नहीं है. ऑलराइट. सो अब यहां से आप चाहें तो कलर चेंज कर दे. सो मैंने लेट से ब्लैक ले लिया. अब ब्लैक मैं दे रहा हूं, फुल ओपेसिटी दे रहा हूं, नहीं नजर आ रहा. क्यों नजर नहीं आ रहा? गौर से देखें यार, आपका ब्लेंडिंग मोड जो है वो इस वक्त स्क्रीन लगा हुआ है. और आप लोगों को याद होगा लेयर्स वाली क्लास में मैंने आप लोगों को ये ब्लेंड मोड समझाए थे कि ब्लेंड मोड्स में आपको बहुत ज्यादा एहतियात से चीजें देखनी होंगी. स्क्रीन हमेशा ब्लैक को हटा देता है और मल्टीप्लाई ब्लैक को दिखाता है, व्हाइट को हटा देता है. तो डेफिनेटली मुझे अगर ब्लैक कलर का आउटर ग्लो देना है तो मुझे ये स्क्रीन को चेंज करके मल्टीप्लाई करना होगा एंड सो ऑन. इस तरह से ही आपका आउटर ग्लो आ रहा है. आप किसी और का कलर देना, कोई और कलर देना चाह रहे हैं कोई और कलर दे दें. आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, नॉर्मल कर दें, ठीक है. सो कहने का मकसद ये है कि ये आपके कंट्रोल में बेतहाशा चीजें हैं. जो डिफॉल्ट इसकी सेटिंग्स आ रही हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसी पर अटके रहें. देखें अब इसी में मैं एक चीज ये कर रहा हूं, मैं इसको ब्लैक रख रहा हूं और लेट्स से हम यहां से सिर्फ कॉन्टोर दे देते हैं, ठीक है. एंड कॉन्टोर देने के बाद मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूं. देखें बीच से ये लाइट आ रहा है, बाहर से ये डार्क आ रहा है. एंड अगर इसकी रेंज मैं चेंज करूं तो फिर ये कुछ यूं होना शुरू हो जाएगा. सी दिस, मैं अब अगर इसकी ओपेसिटी डाउन कर रहा हूं तो ये बड़ा डिफरेंट सा, एक बड़ा मजेदार सा एक रिजल्ट आ रहा है कि जो जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी सरफेस से उभर के बाहर आया हुआ. ऑल्दो ये चीज यूजुअली बेवलिम्बो से लोग कर रहे होते हैं, बट ये आउटर ग्लो से भी किया जा सकता है. नाउ है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर. सो मैं बारी बारी आप लोगों को हल्का हल्का बता रहा हूँ. इन अंदर के जो ऑप्शंस है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा. एक दो चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट सी हैं, मैं पहले आप लोगों को ये ग्लोबल लाइट समझाना चाहूंगा. सो लेट सपोज मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर ये शेडो लगा दिया, ठीक है, और शेडो को मैं थोड़ा सा हार्श कर रहा हूँ और डायरेक्शन इसकी यूं है, राइट, और ये ग्लोबल लाइट पर है, ठीक. मैं एक और लेयर ले रहा हूँ. अच्छा एक और चीज़ यार, ये बहुत डार्क कलर हो रहा है, मैं इस पर कलर ओवरले कर रहा हूँ, सही है. सो हमारा अब ये येलो कलर का आ रहा है और मैं एक और लेयर ले रहा हूँ, कोई सा भी लेयर ले लें. फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सर्कल बनाया, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ और इस पर मैं जा कर के ड्रॉप शेडो अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है. सो इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉप शेडो अप्लाई किया, एग्जैक्टली वैसे ही ग्लोबल लाइट इसमें भी है. नाउ अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखिएगा, मैं हूं इस वक्त इस लेयर पर, ठीक है, देख ले मैं इस वाली लेयर पर हूं और मैं इसका ड्रॉप शेडो का एंगल चेंज करना चाह रहा हूं लाइट का. याद रहे कि मेरी ये लेयर अलग है, इस पर भी ड्रॉप शेडो लगा हुआ है, ये लेयर अलग है, इस पर भी ड्रॉप शेडो लगा हुआ है. इस वाली का
जो ड्रॉप शेडो है इस वक्त मैं एडिट कर रहा हूँ, दोनों ग्लोबल लाइट हो रही है यूज। अगर मैं इसका एंगल चेंज करूंगा तो उसका भी एंगल चेंज होगा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल लाइट। ग्लोबल लाइट का मतलब पूरी हमारी पीएचडी में एक ही तरफ से लाइट पड़ रही है, सही है। सो समटाइम्स यूजफुल है, मैं रिकमेंड नहीं करता कि इसको यूज किया जाए ग्लोबल लाइट को, बिकॉज ग्लोबल लाइट से कुछ मसले मसाइल होने लग जाते हैं, जो हम लुक्स चाह रहे होते हैं वो वैसा नहीं आ रहे होते हैं। सो बहरहाल आपकी मर्जी है, आप इसको यूज करें या ना करें। बट एक मसला है, अगर ये स्टाइल हम सेव करके किसी दूसरे पीसी पर लेकर जाते हैं और वहां पर अगर ग्लोबल लाइट की सेटिंग्स कुछ और हुई, तो फिर आपकी जितनी भी सेटिंग्स थी वो गई, फिर वो वाली जो सिस्टम है उसकी ग्लोबल लाइट यूज हो रही होगी। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि ग्लोबल लाइट ना ही यूज करें तो अच्छा है, राइट। ऑलराइट, सो मैं इसका ग्लोबल लाइट हटा देता हूँ, ठीक, एंड इसको मैंने कैंसिल किया और वापस आ जाएं अपने इस जी वाली लेयर पे, और लेट्स सी हम कुछ और चीजें इसमें देखते हैं। सो एक चीज आप लोगों ने नोट की कि हमारे पास कुछ स्टाइल्स में कुछ एडिशनल प्लस साइन दिया हुआ है, ठीक है। ये इसलिए कि अगर मैं एक ड्रॉप शेडो जैसे ये लगाया हुआ है, मैं ऐड कर सकता हूँ दूसरा ड्रॉप शेडो, तीसरा ड्रॉप शेडो एंड सो ऑन। सो फॉर एग्जांपल ये दो ड्रॉप शेडो हैं और इस दूसरे ड्रॉप शेडो में मैं कलर रेड देना चाह रहा हूँ और नॉर्मल करके और इसका डिस्टेंस कम कर रहा हूँ। सी दिस, अब इस वक्त क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है कि नीचे लाइट ग्लो हो रही है और उसके बाद इसका शेडो भी आ रहा है। सो यस, अब ये कुछ फीचर्स बड़े मज़ेदार से आ गए हैं जिसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। सो अगर मैं कलर ओवरले भी ऑन कर लूँ उसका, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बहरहाल देखें, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू ऑन करें ऑफ करें, कोई मसला नहीं है। ओके, एक और चीज़, जब हम लेयर्स का पैनल पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने आप लोगों से कहा था कि ये ओपेसिटी और फिल दोनों एक ही जैसे हैं। इसका एक और काम है यानी फिल का, जो कि मैं आगे चल के बताऊंगा, तो वो वक्त अब आ गया है। अब मुझे आपको बताना है कि ये एग्जैक्टली फिल और ओपेसिटी में डिफरेंस क्या है। सो फिर से मैं इस पे बस एक ड्रॉप शेडो अप्लाई कर रहा हूँ और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। मैंने इस पर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दिया और अब आके देखें, मैं अगर अपनी लेयर पर ओपेसिटी डाउन करता हूं तो क्या होता है कि मेरी पूरी लेयर की ओपेसिटी डाउन हो रही है और जाहिर है पूरी लेयर गायब होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मैं फिल डाउन करता हूं तो इस वक्त भी लेयर की ओपेसिटी डाउन जरूर होगी, लेकिन जो मेरा ड्रॉप शेडो है वो वहीं पर रहेगा। सी दिस, सो आई बिलीव आप लोगों को ओपेसिटी और फिल का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चले आए मैं आपको कुछ बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अज्यूम कर लें कि मैंने ये एक जी लिखा हुआ है ब्लैक कलर का, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा स्टाइल बनाऊँ, लेयर स्टाइल, जो मैं किसी भी लेयर पर अप्लाई करूँ तो वो रेड कलर का हो जाए और ऐसा लगे कि पेपर के यानी जिस लेयर के ऊपर रखा हुआ वो उस लेयर के नीचे लगे। बहुत सिंपल सी चीज़ मैं ये कर रहा हूँ कि सबसे पहला काम मैं कर रहा हूँ कलर ओवरले, क्योंकि मेरे दिमाग में रेड था तो लेट्स गो फॉर रेड कलर। मैंने यहाँ से रेड कलर लिया, थोड़ा सा डार्क रेड ले रहा हूँ मैं। ऑलराइट, अब दूसरा काम मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये पेपर, जाहिर है ये लेयर नीचे है ये लेयर ऊपर है, मैं चाह रहा हूँ ये लेयर नीचे हो जाए किसी तरह से, मतलब जैसे इस ग्रे में से ही कट आउट हुआ हुआ है, राइट। सो बड़ा सिंपल सा काम है, इनर शेडो ना आउटर, ये आपने ड्रॉप शेडो देखा था, ड्रॉप शेडो क्या होता था कि आपकी लेयर के बाहर शेडो देता था, राइट। इनर शेडो आपकी लेयर के अंदर देता है, राइट। इसको मैंने फिर रीसेट किया, इनर शेडो आपकी लेयर के अंदर शेडो दे रहा होता है। सो देखें, अगर मैं यहां पर इसकी ओपेसिटी बढ़ा दूं तो आपको अंदर की तरफ एक शेडो नजर आ रहा है, राइट। सी दिस, ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ये लेयर अब यानी रेड जो है वो कटा हुआ है, लाइक ये ग्रे वाला कटा हुआ है और नीचे से रेड कलर का कुछ पेपर या जो भी चीज है वो नजर आ रही है, राइट। सो इसका मैं डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ और थोड़ा सा साइज बढ़ा रहा हूँ, दैट्स इट। बहुत छोटा सा काम था, बहुत सिंपल सा काम था। और याद रखिएगा कि ये जितने भी स्टाइल्स हैं इनको
कम ही रखिएगा, मतलब एक या दो ऑप्शंस यूज करें और उसके साथ खूबसूरती लाने की कोशिश करें। कई मर्तबा स्टूडेंट्स मेरे ये कर रहे होते हैं कि वो सारे ऑप्शंस को अप्लाई करके देख लेते हैं कि भाई इससे क्या हुआ, इससे क्या, कुछ भी नहीं बनने वाला है। स्टार्ट विद अ प्लान। जैसे मैंने कहा कि मैं चाह रहा हूं कि एक रेड कलर का जी हो या जो भी लेयर हो जिस पर भी मैं अप्लाई करूं वो रेड हो जाए और वो अपनी लेयर के अंदर नजर आने शुरू हो जाए, राइट। सो देखिये मैंने सिर्फ दो ही ऑप्शन से ये रिजल्ट बना लिया, राइट। सी दिस, अब ये मेरा स्टाइल बन गया। मैं चाह रहा हूं कि ये स्टाइल मेरे पास स्टोर हो जाए। बहुत सिंपल सा काम है कि ये इसी पैनल में, लेयर स्टाइल्स के पैनल में, यहां पर देखें आपके पास न्यू स्टाइल का बटन दिया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं और इसका नाम देना चाहे आप नाम दे दें। नाउ इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, ये एड टू माय करंट लाइब्रेरी हटा दीजिएगा ताकि ये फिर वही सीसी वाली लाइब्रेरी में जाना शुरू हो जाएगा। इसको यहां से हटा दीजिएगा, ओके कर लें एंड यहां से भी ओके कर लें। अब ये गया कहां, ये आपके स्टाइल्स की, सॉरी स्वाचेस खुल गया, आपकी स्टाइल्स के पैनल में ये बैठा हुआ नीचे। सो अब अगर मैं कोई सी भी लेयर बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी सिंपल सी लेयर है या कोई दूसरी लेयर हम बना लेते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया और अब देखिए इसका कलर ग्रे है या कोई भी कलर हो, लाल पीला जो भी आप कर लें, से लेट्स से मैंने ब्लू बनाया हुआ, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करूंगा, सी दिस, ये हो गया रेड और बिल्कुल वैसे ही वही रिजल्ट आपके पास आने लग जाएगा। एंड दिस इज सो सिंपल, राइट। अब इससे फायदा क्या होता है कि भाई आप अपने स्टाइल्स बना के रख लें अपने पास और जब चाहें इस पर अप्लाई करते रहें। ओके, नाउ इसके अंदर अब एक चीज मैं चेंज ये करना चाह रहा हूं कि जी कलर के बजाय ग्रेडियंट आ जाए। अब देखिए मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया, राइट, मैं यहां से ये ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, यहां नजर नहीं आ रहा। रीजन और से देखें, आपने ग्रेडियंट ओवरले लगाया हुआ है लेकिन उससे ऊपर अप्लाई हुआ हुआ है कलर ओवरले। सो कलर ओवरले डोमिनेट कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको नीचे से ग्रेडियंट नजर आएगा, ठीक है। हाँ, अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि इस कलर ओवरले पर मैं ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दूं, लाइक मल्टीप्लाई या स्क्रीन या ओवरले, जो भी आप करेंगे। याद रखें कि ये आपका इन्फ्लुएंस कर रहा होगा नीचे के। सो अगर मैं सिंपली आके कलर कर दूं तो ये रेड हो जाएगा लाइक दिस, बट ग्रेडियंट भी आ रहा है आपका वो वाला। सो और मजेदार सी चीज बन गई। अब ग्रेडियंट आप देखें किस तरह का यूज करना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, लाइक दिस और दिस। सो यस, इसमें बेतहाशा फ्रीडम आपके पास मौजूद है कि आप क्या क्या करना चाह रहे हैं। नाउ अब यहां तक मैं अपनी इस क्लास को खत्म करने लगा। मुझे पता है आप लोग बहुत सारा सोच रहे होंगे कि यार ये क्या था, इतनी सी क्लास। नो सीरियसली, मैंने इस वक्त जो आप लोगों को जो चीजें बताई हैं ये बहुत ज्यादा हैं आपके अभी की प्रैक्टिस के लिए। इसमें जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं उनको सबको बारी बारी आप ट्राई करें। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ड्रॉप शैडो में गया था, राइट साइड पर जो जो चीजें आ रही थी वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, उसी तरह से या आउटर ग्लो है या आपका ये पैटर्न ओवरले है, ग्रेडियंट ओवरले है, कलर ओवरले है। सो पैटर्न्स आप लोगों को मैं बता चुका हूँ मेरी पैटर्न वाली क्लास में। अगर आपने ग्रेडियंट्स वाली क्लास नहीं देखी तो वो भी मैंने बताई हुई है, ग्रेडियंट्स भी यहाँ पर आपको पता है। सो इन शॉर्ट आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी पता ज़रूर हैं। जब आप किसी भी लेयर पर अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको याद आता रहेगा। बस प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सबके कॉम्बिनेशन मत बनाइएगा भी, यानी आपने एक साथ ड्रॉप शेडो ये वो अगड़म तगड़म सब एक साथ अंधाधुंध मत लगाइएगा। एक वक्त में सिर्फ एक वैल्यू को प्रैक्टिस करें। मैं चाह रहा हूं कि आप बेतहाशा इसकी प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए इजाजत दें, मैं अगली क्लास में आपको बहुत ही धमाका खैस चीजें बनाना सिखाने वाला हूं इसी लेयर स्टाइल्स के थ्रू। और आई होप आप लोग प्रैक्टिस करके रखेंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं की ना तो अगली क्लासें जितनी भी है मैं शायद हो सकता है एक नहीं दो तीन चार इसके ऊपर क्लासेस रखूंगा, छोटी छोटी सी रखूंगा। आपको डिफरेंट से ट्यूटोरियल्स एक तरह से मैं देने वाला हूं कि किस तरह से कोई भी चीज़ बनाई जाती है। एंड आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।